आईटीएम 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 देख सकते हैं, शॉर्ट शॉर्ट आईटीएम 30 सेकंड में आईटीएम राइट। आज की वीडियो बहुत ही गजब की होने वाली है, देखते रहो और बने रहो इस वीडियो के अंदर में। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ट्रेड प्लेस की थी और आईटीएम हो चुके हैं। ओके तो प्लस हम चलते हैं मेन टॉपिक पर। वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल गाइस। आज की बहुत तगड़ी वीडियो है। आज मैं आपको वो चीज देने वाला हूं जो शायद आपको कोई दे ही नहीं सकता है। अगर आप यहां तक इस वीडियो को देख रहे हो तो पहली ही चीज बोलूंगा, वीडियो को देखना है तो पूरी देखना, अदरवाइज छोटे 1-2 मिनट की वीडियो देखो तो चले जाओ, क्योंकि यहां पर आज इस वीडियो में पूरी वीडियो के अंदर में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ओके तो दिस साइड अवनीश शर्मा, आपका भाई हूं मैं, ठीक है। तो आज इस कॉन्सेप्ट को मैं लेके आया हूँ, बहुत गजब की ट्रिक है, मैं रियली बता रहा हूँ। मार्केट फॉलो कर रही है, 99.99% आपको शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड निकाल के दे रही है, तो लो ठीक है। तो आज की टॉपिक जो सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट रहेगा, 30 सेकंड का चार्ट भी रहेगा, टाइम भी रहेगा, क्या रहने वाला सारी चीज मैं आपको बताता हूँ। क्या मेन टॉपिक है ट्रेडिंग में राइट, क्या मेन टॉपिक है, क्या मार्केट फॉलो कर रही है इस टाइम, क्या गजब की चीज है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ राइट। मैंने ग्रुप में भी डाल दिया था अपने पब्लिक वाले ग्रुप में कि मैं कल वीडियो लेके आऊंगा, गजब की वीडियो लेके आऊंगा, बस उसी चीज का इंतजार है। तो राइट तो चलते हैं गाइस। सबसे पहले कमेंट भी करना है आपको, लाइक भी करना है, क्या क्या सीखा है आपने वो मुझे आपको कमेंट में बताना, क्योंकि देखो मैं आपके लिए आज गजब की चीज लेके आया हूँ, बहुत ही गजब की चीज, ठीक है। जो मार्केट फॉलो कर रही है डेफिनेटली प्रॉफिट दे रही है, तो प्लस तो देर ना करके लाइक कमेंट शेयर तो बनता है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और मिलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, ठीक है। तो देखो आपको करना क्या है, सिंपल सी बात, मेन टॉपिक आता है करना क्या है। अगर आप ट्रेडिंग के अंदर में हैं और प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं राइट, प्रॉफिट भी बनाते हैं लॉस लॉसेस भी कर लेते हैं, तो इन सब चीजों से बचो, बस इतना कहूंगा ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, अपना कोटेक्स आपको ओपन ही करना है। ओपन करने के बाद में सिंपल सी चीज आपको करना क्या है, चार्ट, जो चार्ट है ना, ये चार्ट देखो, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 1 मिनट का चार्ट देखा है, 2 मिनट का टाइम चार्ट दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चार्ट क्या करना है ओपन 30 सेकंड का, या जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ ना, आज की ट्रिक बताने वाला हूँ, वो 30 सेकंड में वर्क करेगी ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए। और 30 सेकंड में आपको गजब का प्रॉफिट ना देना तो बोल देना कि यार भाई प्रॉफिट नहीं दे रही यार, गलत बात है आपकी। मैं आपको बोल रहा हूँ प्रॉफिट देगी मेरे भाई, 30 सेकंड का चार्ट ओपन कर लेना सबसे पहले, तो क्या कर लेना, 30 सेकंड का चार्ट ओपन कर लेना। और ये भी देखो मैंने 30 सेकंड पे ट्रेड ली थी 1 मिनट के चार्ट में, नॉलेज के बेस पर प्रॉफिट बनाया जाता है, ठीक है ना, सिंपल सी चीज। और लाइव अकाउंट में छोटा सा बैलेंस है मेरे में, ठीक है, कुछ ज्यादा अमाउंट नहीं है मेरे में, ठीक है ना, मैं दिखाता नहीं औरों की तरह फेक अमाउंट, ठीक है, इतना अमाउंट ये वगैरह वगैरह, मैं ज्यादा नहीं, जो चीजें होती है वो क्लियर बोलता हूँ मैं, ठीक है। तो प्लस देखो मेन टॉपिक क्या है, चार्ट आपको ओपन करना है, 30 सेकंड का चार्ट ओपन करना है। ओपन करने के बाद में टाइम शेट जो करना है आपको, टाइम शेट आपको जो करना है वो आपको 30 सेकंड का टाइम शेट करना है, ये वाला, ठीक है। जैसे कि आपके में हो रहा होगा ऑटोमेटिकली टाइम सेट होगा, प्लस 1 मिनट का भी टाइम शेट हो सेट सेट होगा, तो या फोन हो चाहे पीसी वगैरह हो आपके पास में, तो आपको जो टाइम सेट करना है वो करना है 30 सेकंड का, आपको टाइम सेट करना है, ठीक है। तो 30 सेकंड के अंदर में आपने जो टाइम सेट कर रखा है तो इसमें आपको क्या होगा, क्योंकि 30 सेकंड का चार्ट रहेगा तो 30 सेकंड का टाइम भी रहना चाहिए, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, जो चीज मार्केट फॉलो कर रही है राइट, तो हम आते हैं उस चीज पे। आप रैंडमली कोई सा भी चार्ट ओपन कर लेना, ठीक है, रैंडमली कोई सा भी चार्ट ओपन कर लेना, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ बस उस चीज पे आप फोकस करना, ठीक है, उस चीज पे आपको बस फोकस करना है। तो अब चीजें क्या 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 आती हैं इसके अंदर में, ठीक है, इसके अंदर में चीजें क्या क्या आती हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको 30 सेकंड के चार्ट में क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है और जो ट्रिक है इसके अंदर में वो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ, गजब की चीज, ठीक है। तो फोकस इधर ही रहना चाहिए, मेरी बातों पर फोकस और इस चार्ट पर स्क्रीन पर फोकस, ठीक है, जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं। देखो सुनो, अब आपको करना क्या है, कभी भी एक ग्रीन कैंडल बनता है, क्या बनता है, एक ग्रीन कैंडल बनता है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा बट मेरी बातों पे आप ध्यान से समझ लेना, पूरी वीडियो देखना, मजा तभी आएगा। ओके तो देखो एक ग्रीन कैंडल बनता है, जैसे कि एक ग्रीन कैंडल बनता है, एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद में अगर दो बैक टू बैक रेड कैंडल बनते हैं, 30 सेकंड के चार्ट की बात कर रहा हूँ, मैंने 1 मिनट वाले चार्ट में भी चीज डाल रखी है राइट, ये ट्रिक मैंने 1 मिनट के चार्ट में बता रखी है, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 30 सेकंड के चार्ट की, तो इसलिए 30 सेकंड का चार्ट ओपन करके सेट कर लेना, ना कि 1 मिनट का टाइम सेट करना, 1 मिनट का टाइम सेट नहीं करना, आपको 30 सेकंड का टाइम सेट करना है और 30 सेकंड का चार्ट आपको ओपन करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बता रहा हूँ कि
एक ग्रीन कैंडल बनता है, उसके बाद में बैक टू बैक दो रेड कैंडल बनते हैं, ठीक है, बैक टू बैक दो रेड कैंडल बनते हैं। बनने के बाद में मार्केट जब भी नीचे से ऊपर जाएगी, मतलब नीचे से ऊपर जाएगी, और यहाँ से एक आपने होरिजेंटल लाइन लगाकर आप यहाँ पे बीच में लगा लेते हैं, लगाने के बाद में मार्केट नीचे से इस लाइन को ब्रेक करती है। जब भी मार्केट ब्रेक करे तो आपको नेक्स्ट ट्रेड सेम डायरेक्शन कॉल डायरेक्शन में आपको लेने नहीं है, ठीक है, और वन टाइम आपको मार्टिकल यूज करना है अगर लॉस होती है तो। लेकिन 95% लॉस नहीं होती है, 5% अगर लॉस भी होती है तो मार्टिकल आप एमडीजी यूज करते हैं तो आप भी आपकी विन हो जाती है। देखो यहाँ बात करूं मैं, ग्रीन कैंडल था, दो बैक टू बैक रेड कैंडल थे, बीच में आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, तो इस कैंडल ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में अगर यहाँ पे भी कॉल लेती है, ठीक है ना, यहाँ पे कॉल लेती क्योंकि गैप अप ओपनिंग काफी ज्यादा हुई है इसकी, ठीक है, तो अगर थोड़ी सी एंट्री नीचे भी तो तब भी आपकी विन हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रेड भी आप देख सकते हैं कि कॉल डायरेक्शन में कैंडल बना हुआ तो एमटीजी भी बनती है यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट का ये भी एक ट्रेप था, लेकिन बट कोई भी बात नहीं है, लेकिन हम थोड़ा आगे भी चलते हैं। जैसे कि देखो एक ये कैंडल था, मैंने यहाँ तो बता दिया, सॉरी, यहाँ देखो एक ये कैंडल था, एक ये कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, दो बैक टू बैक रेड कैंडल है, बीच में आपने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लगा रखी है, ठीक है। लाइन लगाने के बाद में इस कैंडल ने इस वाले को ब्रेक किया, इस कैंडल ने ब्रेक किया, मेरी बात फिर समझ लो, एक ग्रीन कैंडल दो, उसके बाद में बैक टू बैक रेड कैंडल आते हैं, तो आपको बीच में क्या करना है, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। लाइन लगाने के बाद में यहाँ पर जब भी मार्केट नीचे से इस लाइन को ब्रेक कर दे तो सेम डायरेक्शन आपको क्या करना है, कॉल डायरेक्शन में जाना है। यहाँ भी आप एंट्री लेते कॉल डायरेक्शन, तो एक डोजी कैंडल सा बना है, तो यहाँ पर रिफंड भी हुई है, ठीक है। देन उसके बाद अगर थोड़ी सी एंट्री नीचे लगी हुई थी तो विन हो जाती, तो नेक्स्ट ट्रेड भी आपका अगर एमटीजी भी यूज करते आप तो भी आपका यहाँ पर विन हो जाता, ठीक है, क्योंकि ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई आपको, ओके ठीक है। एंड एक और चीज मैं आपको बताऊं, इसमें आपको क्या क्या करना है नेक्स्ट, ओके, तो वेट कीजिए एक सेकंड, मैं आपको बताता हूँ, वन सेकंड, ओके। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ, एक ग्रीन के बाद में दो बैक टू बैक रेड आते हैं, क्या आते हैं, एक ग्रीन के बाद में दो बैक टू बैक, आप किसी भी चार्ट में उठा के देखना, ठीक है, आपको यहाँ पर 99.99% आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। मैं आपको चलो और बताता हूँ, वेट वेट वेट, एक रैंडमली चार्ट ओपन करता हूँ और कुछ लाइव ट्रेड में मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलो देखो करना क्या है, सिंपल सी बात रहेगी, ठीक है, करना क्या है आपको सिंपल, देखो सिंपल, एक ग्रीन कैंडल दो बैक टू बैक रेड कैंडल, आपने यहाँ पर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, लाइन लगाने के बाद में मार्केट नीचे से ब्रेक कर रही है, ये नहीं है कि चिपका चिपकी चल रही है यहाँ पर, मतलब यही कैंडल ने ब्रेक कर दिया, ऐसे नहीं करना है, मतलब थोड़ा सा मूवमेंट होना चाहिए, एकदम गोला, मतलब गोल आकार में होना चाहिए, मार्केट नीचे से जाके ऊपर ब्रेक करे, ठीक है, तब आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको एक अच्छी श्योर श्योर ट्रेड आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना मेरी, ठीक है। जैसे कि ये ग्रीन कैंडल था, दो बैक टू बैक रेड कैंडल थे, तो आपने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, लाइन लगाने के बाद में अब मार्केट को देखो, इस वाले कैंडल ने इसको टच कर दिया है, मतलब कि देखो मार्केट चलती है दो चीजों पर चलती है, ठीक है, मार्केट दो चीजों पर चलती है, एक तो सिर्फ टचेस पे चलती है और एक एक चलती है एक गैप फिल पे चलती है, ठीक है। तो देखो आपको एक नॉलेज होनी चाहिए कि मार्केट का मूवमेंट क्या है, ठीक है। अब जैसे कि इसने सिर्फ टच ऊपर करके नीचे ब्रेक हो गया, ठीक है, तो मैं इस चीज को भी मानता हूँ कि मार्केट टचेस पे काफी चलती है, क्योंकि बाइनरी ट्रेडिंग है, हर वीकली चेंजेस होती है, तो बहुत ज्यादा आज के टाइम में मार्केट क्या करती है, टचेस पे भी चलना स्टार्टअप हो चुकी है, क्योंकि गैप को भी फील नहीं कर पाती, बहुत सारे ट्रैप है मार्केट में, जो ऑलरेडी मैं काफी वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो देन है क्या चीज, इस कैंडल ने ब्रेक किया, इस कैंडल ने ब्रेक करने के बाद में नेक्स्ट ट्रेड आपको क्या लेनी थी, कॉल डायरेक्शन शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड आपकी डेफिनेटली हो जाएगी, ठीक है। चलिए ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, आप कहीं भी देख लो, कहीं भी आप देखना, एक ये कौन सा कैंडल है, ग्रीन कैंडल है ना, दो बैक टू बैक रेड कैंडल है ना, और किन किन बातों को याद रखना वो चीज मैं बताऊंगा आपको, ग्रीन दो बैक टू बैक रेड, आपने यहाँ पर बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के बाद में मार्केट कौन सा ब्रेक कर रही है, देखो मैं आपको समझाता हूँ, देखो बीच में आपने लगाई लाइन, लगाने के बाद में मार्केट क्या कर रही है, नीचे से ब्रेक कर रही है, ब्रेक क्या कर रही है, ये देखो कितनी बड़ी बीक छोड़ी है इसने, कितनी बड़ी बीक छोड़ी है, तो इसमें क्या है, मार्केट ने यहाँ पर वीक में से, इसने वीक से कर रखा, लेकिन इसको आप ना इग्नोर करो तो बेटर रहेगा आपके लिए, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी वीक है, तो राइट गैप अप भी काफी बड़ा छोड़ रखा है, तो इसको आप ब्रेक नहीं मान सकते, ठीक है ना, इसको ब्रेक आप नहीं मान सकते, लेकिन मैं होता तो हाँ मैं डेफिनेटली यहाँ पर नहीं लेता, क्योंकि
एक बड़ी वीक है तो चांसेस रहता है कि एक कैंडल का रेड आने का, क्योंकि मार्केट ऊपर गई थी फिर एक साथ यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, तो एक रेड का कैंडल का चांसेस रहेगा रहेगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी ज्यादा नॉलेज नहीं है तब भी आप एमडीजी यूज आपको करनी, क्योंकि एमडीजी विन तो हमारा होता ही होता है, ठीक है। तो इस कैंडल ने चलो ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में अगर आप यहाँ पे कॉल लेते ठीक है तो लॉस हो जाती, लेकिन आपने एमडीजी यहाँ पे ले ली तो विन हो जाएगी आपकी, ठीक है। इस तरीके से आपको ट्रेड लेनी है, ठीक है। चलिए हम और भी आपको मैं दिखा दूँ, हर चीज का मैं रीजन आपको दिखाऊंगा, ठीक है। हर रीजन में आपको दिखाऊंगा मार्केट, देखो घूम के आनी चाहिए, मतलब गोल आकार में आनी चाहिए, चाहे ऊपर से आए, ऊपर से तो आपको लेनी नहीं क्योंकि नीचे से जाना, क्योंकि ग्रीन कैंडल होगा तो बैक टू बैक दो रेड आएंगे तो नीचे से ब्रेक करेगी मार्केट, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके। कभी भी कोई सा भी चार्ट आप उठा के देख लो, ठीक है, कोई सा भी आप चार्ट उठा के देख लेना, हर चार्ट में आपको रीजन मिल ही जाएगा, ठीक है। ग्रीन के बाद में बैक टू बैक दो रेड, क्या ग्रीन के बाद में दो बैक टू बैक रेड आना चाहिए, ठीक है। आपको श्योर श्योर ट्रेड मिल जाएंगे, काफी मिल जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात ऐसी है कुछ भी नहीं है इसमें, आपको काफी ट्रेड मिलेंगे, हर चार्ट को आप ओपन करके देखोगे आराम से मिलेंगे आपको, ठीक है। बहुत सारे श्योर शॉर्ट पैटर्न पड़े हुए हैं मार्केट के अंदर में, बस फोकस क्या करोगे इन्हीं सब चीजों पर कि आपको क्या लेना क्या नहीं लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो ग्रीन कैंडल, दो बैक टू बैक रेड कैंडल, तो बीच में देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है, लाइन होने के बाद में किस कैंडल ने ब्रेक किया, इस कैंडल ने, ठीक है। लेकिन हम लेते नहीं है इस चीज को, ठीक है, हम लेते नहीं है, तो इस चीज का आपको विशेष याद रखना है। अरे ये थोड़ा एक्चुअली ना पीछे हट जाता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत करता है, ठीक है। बट मैं आपको चीज बता रहा हूँ तो उस चीज पे नॉलेज पे ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत गजब की ट्रिक है, इससे मैंने काफी सारी ट्रेड विन कर ली, ठीक है। आज मैंने समथिंग 40 से 45 ट्रेड ली इसी चीज पर, ठीक है, जिसमें मेरी समथिंग थी 40 ट्रेड मैंने ले ली, तो 40 ट्रेड में मेरी समथिंग 36 37 ट्रेड मेरी विन हो गई थी श्योर श्योर, ठीक है ना। तो काफी अच्छा रेशियो निकल के आया आज इसका, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मेरे कहने का क्या मतलब है, अरे यार ये बैग बहुत होता है, चलो और चार्ट ओपन करते हैं, ठीक है, और चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ भी आप देख लेना, ठीक है, यहाँ भी आप देख लेना, आपको एमटीजी तो यूज करना ही करना है, इस चीज को भूल मत जाना, ठीक है, आपको एमटीजी तो यूज करना ही करना है। अब देखो ये चार्ट है, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल, दो बैक टू बैक रेड कैंडल, बीच में आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, लाइन लगाने के बाद मार्केट ने नीचे से ब्रेक किया, एक इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक करते, तो ब्रेक करने के बाद में आपको सेम डायरेक्शन में कॉल लेनी है, लेकिन यहाँ पे तो बन चुके हैं पुट, तो लॉस हो गई, तो आपको एमडीजी तो यूज करना, तो एमडीजी आपकी शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल आपको एमडीजी यूज तो करना ही है, डेफिनेटली आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ देखो एक ग्रीन कैंडल, दो बैक टू बैक, तो आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, लाइन लगाने के बाद में इस कैंडल ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में सेम डायरेक्शन कॉल में आपको ट्रेड लेनी, शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड आपकी हो चुकी है, ओके। तो विशेष ध्यान रखना इन सब चीजों का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, ठीक है। अब देखो यहाँ भी देखो, मतलब मैं इतना बोल रहा हूँ एमटीजी तो विन है ही है, ठीक है ना, 99.99% आपका एमटीजी विन हो ही जाएगा, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, ठीक है, एमटीजी विन तो आपका होगा ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो इसलिए काफी ट्रेड आपको शॉर्ट शॉर्ट मिलेंगे, काफी ट्रेड आपको एमटीजी विन मिलेंगे, ठीक है। तो बट इन चीजों को याद रखना, ठीक है, ओके। तो मैं कहाँ था, मैं था किधर था, किधर किधर किधर, देखो यहाँ था, इस कैंडल को देखो, ग्रीन कैंडल बनाए, दो बैक टू बैक बने, तो ये तो मैंने आपको बताया था ना अभी जस्ट, चलो हाँ यहाँ था मैं, ये रहा देखो ग्रीन कैंडल बना है यहाँ पर, बनने के बाद में दो बैक टू बैक बने, आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रखी है, लाइन लगाने के बाद में तो यहाँ देखो इस कैंडल ने इसको टच करके ब्रेक कर दिया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद में आपको सेम डायरेक्शन ट्रेड लेनी है, बन गया कॉल, बना या नहीं बना, बना है ना गजब की ट्रिक भाई, काम कर रही है मार्केट में, देखो आपके सामने बता रहा हूँ लाइव, वो भी समझने की कोशिश करो, 30 सेकंड का चार्ट ओपन करना है, 30 सेकंड का टाइम सेट करना है और आंख मीच के ट्रेड लेते रहना है, बस पैटर्न्स क्या है, ग्रीन दो बैक टू बैक रेड। लेकिन यहां पर आपको किन बातों का याद रखना है, आपको डोजी जैसे कैंडलों को बिल्कुल इग्नोर करना है, डोजी कैंडलों को बिल्कुल इग्नोर करना है, क्योंकि डोजी कैंडल में अगर आप फंसेंगे तो लॉसेस वहां पर रहेगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ 1% का चांसेस वही रहता है, ठीक है। तो डोजी कैंडलों को आपको बिल्कुल इग्नोर करना है मेरे भाई, क्योंकि डोजी कैंडल है ही मार्केट का ट्रैप फंसाने वाला, ठीक है, डोजी कैंडल मार्केट का पूरा ट्रैप है फंसाने वाला, ठीक है। तो इसलिए कहूंगा डोजी कैंडल से आपको बच के रहना है। अब देखो यहाँ देखो एक ग्रीन, दो बैक टू बैक रेड, तो आपने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, लाइन लगाने के बाद में किस कैंडल ने ब्रेक किया, इसने ब्रेक किया, यहाँ पे आपने ली थी कॉल लॉस, तो एमडीजी में, तो ये चीज मैंने इस चार्ट में पहले ओपन किया था ना, हाँ, तो इसमें मैंने आपको बता दिया, तो एक रेंडमली एक और चार्ट पर हम चलते हैं, ठीक है। और ज्यादातर आप ओटीसी में इस चीज पर काम करना, ठीक है, ओटीसी वर्क, ठीक है, तो ये अच्छा काम करेगा ओटीसी के अंदर, ठीक है, लाइव मार्केट में ज्यादा ट्राई मत करना कुछ भी, ओटीसी के अंदर में ट्राई करना, तो ओटीसी बेस्ट आपके लिए रहेगा, ठीक है, ओटीसी ट्रिक अच्छी है ये, ठीक है, ओटीसी में बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है।
चलिए ठीक है। अब देखो एक क्या कहते हैं, ग्रीन कैंडल, दो बैक टू बैक रेड, आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, लाइन लगाने के बाद इस कैंडल ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में सेम डायरेक्शन कॉल हो गई ना बिन, श्योर श्योर ट्रेड होगी मेरे भाई, श्योर श्योर। आपको एक एग्जाम्पल नहीं, मैं काफी आपको ट्रेड बता दूंगा लेटेस्ट में, ठीक है ना, आपके सामने ले लूंगा, ठीक है। आप देखो मुझे बस ट्रेड मिल जाए तो ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एक ग्रीन के बाद में दो बैक टू बैक रेड आती है तो उसमें यहाँ पर बहुत चांसेस रहता है, अच्छा काफी ज्यादा रहेगा हमारे लिए, ठीक है। ओके ओके चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं किधर किधर किधर। अब देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो देखो मार्केट का पूरा ट्रैप देखो, मैं आपको फिर समझाऊँ, ठीक है। अब देखो एक ग्रीन कैंडल आया, दो बैक टू बैक वो आए थे, क्या कहते हैं रेड कैंडल आ गए, आपने बीच में लाइन लगाई, तो देखो लाइन लगाने के बाद में इस कैंडल ने ही ब्रेक कर दिया, तो आपको यहाँ पर ट्रेड मत लेना चाहता, ठीक है। इस चीजों को इग्नोर करना, चाहे बेशक 10 मिनट में शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड मिले तो आराम से लो ट्रेड, ठीक है। 5 मिनट में शॉर्ट शॉर्ट मिले आराम से लो, ठीक है, जल्दबाजी मत करो। तो देखो यहाँ पर काफी ट्रेड आपके विन मिल जाएंगे, लेकिन कभी कभी मार्केट का ट्रेवल एंड लेट एंट्री भी लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसने ब्रेक किया था ग्रीन कैंडल ने, क्योंकि ग्रीन के बाद में दो बैक टू बैक रेड आ गई है, तो बीच में आपने लाइन लगाई तो इस कैंडल ने ब्रेक किया, तो आपने अगर यहाँ पर नीचे भी एंट्री लोगे तब भी आपकी विन हो जाती है शॉर्ट शॉर्ट, ठीक है। तो एंट्री का भी आपको ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि देखो मार्केट ने दो बैक टू बैक किस टाइप से बनाया, ठीक है कैंडल, तो ये मार्केट का ट्रैप है लॉसेस करना, लेकिन तीसरा कैंडल लेके आया क्यों, इसी चक्कर में लेके आया, ठीक है। तो इन सब चीजों का याद रखना आराम से, मैं आपको समझा रहा हूँ, ओटीसी में काम करती है, ज्यादा ट्रिकी है, ओटीसी में मस्त काम करेगी और गजब का प्रॉफिट बनाओगे, प्रॉफिट ना बनाओ ऐसा हो नहीं सकता। ओके एक क्या कहते हैं ग्रीन, दो बैक टू बैक रेड, आपने बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, इस कैंडल ने ब्रेक किया, लॉस हुआ, उसके बाद में यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल एक डोजी जैसा बना दिया, अगर एंट्री नीचे होगी तो शॉर्ट शॉर्ट आपकी ट्रेड हो जाएगी। देन डोजी कैंडलों को इग्नोर करना, जैसे कि ग्रीन बनाना और दो बैक टू बैक दो नीचे रेड बनाया, तो उसने एक छोटा सा वो बनाया था ना, क्या कहते हैं एक छोटा सा, देखो ये वाला, नहीं ये रखा ये वाला, देखो ये वाला, ये एक छोटा सा वो बनाया ना, डोजी कैंडल बनाया, ठीक है, डोजी कैंडल बनाया, तो यहाँ पर ऐसे ट्रेडों को इग्नोर करना, ठीक है, क्योंकि मार्केट का ट्रैप है। ये छोटे छोटे जो डोजी कैंडल से बनते हैं ना, ये तीनों कैंडल अच्छे होने चाहिए, मतलब तीनों कैंडल ग्रीन के बाद में दो बैक टू बैक रेड भी वाले ना, वो अच्छे कैंडल होने चाहिए, वो अच्छे कैंडल रहेंगे ना तो अच्छा रहता है, मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपके लिए काफी अच्छा। देखो अब देखो वहां पर मार्केट ने मिसिंग की, क्योंकि यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनाया, अब देखो यहाँ भी देख लो आप अपने सामने, देखो मैं आपको फिर बोलूँ, देखो एक ग्रीन कैंडल आया, दो बैक टू बैक रेड आए, आपने बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, लाइन लगाने के बाद में नीचे से मार्केट इस कैंडल ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में सेम डायरेक्शन कॉल चला गया, ठीक है, तो हो गया ना शॉर्ट शॉर्ट, बिल्कुल हो गई भाई। अब देखो यहीं देख लो, एक ग्रीन कैंडल है, दो बैक टू बैक दो रेड कैंडल है, आपने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, लाइन लगाने के बाद में मार्केट देखो किस कैंडल है, देखो इस कैंडल ने भी हल्का सा टचअप किया, लेकिन मैंने बोला ना नीचे से आगे ऊपर जाए, तो देखो ये डोजी कैंडल बना था क्लोज होके, मैं 1 सेकंड बैक हो रहा है, मैं फिर बताता हूँ आपको, देखो मैं कहाँ था, मैं हाँ यहाँ था, देखो यहाँ पर आपने लाइन लगाई, तो देखो ये क्या है, इसने हल्का सा टच किया, लेकिन ये क्लोज किस्म एक डोजी जैसे में, तो आपको यहाँ पर इग्नोर करना है, क्योंकि इसका टचेस मत मानना, क्योंकि सब एक डोजी बना तो बहुत छोटा, डोजी भी नहीं कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्या है, ठीक है छोड़ो उसको, इग्नोर करना है इस कैंडल को, ठीक है। उसके बाद में मार्केट ने ये फिर कैंडल ऊपर टचअप किया है, तो हाँ इसको आप मानना कि इसने ब्रेक जरूर किया, क्योंकि बहुत बड़ा कैंडल बन चुका है, ठीक है ना, एक डीप कैंडल बन चुका है रेड, ठीक है, तो आप इसको क्या नाम है उसको मानना कि हाँ भाई ब्रेक कर दिया इस कैंडल ने, ब्रेक करने के बाद में ये रहा, ठीक है, आपको फिर समझो इस कैंडल को यहाँ पे हम, ठीक है, तो इसने क्या नाम है ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद में आप यहाँ पे कॉल लेते तो आपकी शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड 100% डेफिनेटली आपकी हो जाती, ठीक है। तो बस क्या करना, डोजी कैंडलों को इग्नोर करना, बस डोजी कैंडलों को इग्नोर कर लोगे ना तो मैं रियली बताऊँ 30 सेकंड में मजा लूट लोगे कोटेक्स से, और मजा ना लूट सको ना तो भाई कुछ नहीं लूटा, बस इतना कहूंगा मैं तो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ दिखाऊँ किधर 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 से हूँ, ये तो ये बैग बहुत होता है सच में यार, ये बड़ी दिक्कत है। चलो मैं एक और भी चार्ट ओपन करता हूँ, आपको और दिखाता हूँ, ठीक है। जिंदगी की रहे, पैसा बनाओ यार, पैसा पैसा बस, क्योंकि लाइफ में पैसा रहेगा ना तो लाइफ हैप्पी रहेगी, बस इतना कहूंगा, क्योंकि पैसे के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, बिना पैसे के लाइफ में ना कुछ भी नहीं रहता सच में, तो इसलिए पैसा इंपोर्टेंट है, बस इतना कहूंगा, राइट, पैसा इंपोर्टेंट है, बिना पैसे की बात नहीं बनती है। अब देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो ये रही, ये रही, ये रही, ये ग्रीन अगर रेड के बाद है, लेकिन बोल रहा हूँ ग्रीन के बाद में दो बैक टू बैक रेड है, ये रहा, ये कौन सा है ग्रीन, दो बैक टू बैक रेड, रेड होने के बाद में बीच में आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, लाइन लगाने के बाद इस कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद में जब मार्केट यूं चिपक के चलती है, चिपक के जब नीचे से यूं ब्रेक करती है, तो वहां पर आपको इग्नोर करना है, मतलब एक ऐसा होना चाहिए गोल आकार में ऊपर तक ऐसे आके फिर ऊपर ब्रेक करे तो मजा आएगा, ठीक है ना, तो मजा आना चाहिए, तो
एक्चुअली क्या है, चीज क्या है कि नियो ब्रेक करती है ये करके, तो वहां पर चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे अपने विन होने के। ठीक है, अब देखो ये दो बैक टू बैक रेड बनाया ना, इसने बनाने के बाद में यहाँ पर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगा दी, तो एक ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद में आप यहाँ पर सेम डायरेक्शन में कॉल डायरेक्शन में ट्रेड ले लेते, लेने के बाद में आपकी लॉस होती लेकिन एमटीजी आपकी विन हो जाती। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एमटीजी ऑलवेज अप्लाई करना ही करना है अगर लॉसेस होता है, क्योंकि देखो 30 सेकंड है तो थोड़ा बहुत एरर भी आ जाता है। ठीक है, तो एमटीजी भी आपको यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको 70% आपको शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड मिलेंगे, बाकी की एमटीजी विन आपको मिल ही जाएंगी। ठीक है, तो आप कहीं भी देख लेना, किसी भी चार्ट को ओपन करके देख लेना, आपको ट्रेड मिलेंगी ही मिलेंगी। ओके, अब देखो यहाँ देखो ग्रीन कैंडल, दो बैक टू बैक रेड कैंडल, आपने बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, इस कैंडल ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में कॉल डायरेक्शन चली गई, क्यों गई ना, बिल्कुल गई है भाई। ठीक है, ओके, तो विशेष ध्यान रखना है इन सब चीजों का। चलो ठीक है, तो एंड हमारी जो वीडियो बन चुकी है वो बन चुकी है 20 मिनट की, तो मैं क्लोज करना चाहूंगा, ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाहता आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि एक दो ट्रेड लाइव ली जाए आप लोगों के सामने, है ना, लाइव ली जाए। ओके, लेकिन लाइव ट्रेड तो हमको मिल नहीं रही है अभी, देखना पड़ेगा, बस मिल तो जाएंगे, ट्रेड ही ट्रेड मिलती रहती है, राइट, काफी सारी ट्रेड मैंने तो प्लेस करती करते, काफी टाइम हो गया मुझे इन सब चीजों को देखते देखते, तो 4 घंटे देखते, तो दो चीज मैंने आप लोगों के लिए बनाई हुई है, एक और ट्रिक मिलेगी आऊंगा वीडियो में। ठीक है, तो प्लस देखो इस तरीके से काम करना है, डोजी कैंडलों को आपको इग्नोर करना है, जितना इग्नोर कर सको उतना इग्नोर करना डोजी कैंडल को, और श्योर श्योर ट्रेड पे ध्यान दो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है, और एंड प्रॉफिट बनाओ, और कमेंट करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। ठीक है, यहाँ तक आप आ चुके हो एंड आप लकी हो, कमेंट बॉक्स में आ जाओ, लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, और मेरे साथ मिलकर डेफिनेटली प्रॉफिट करो। प्लस एक और चीज मैं आपको बता दूं, मेंटोरशिप मैंने लॉन्च कर दिया, मेंटोरशिप मैंने लॉन्च किया, जहां पर मैं सिखा रहा हूँ बहुत ही गजब की नॉलेज, शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न की बात करो जो मार्केट आज के टाइम में फॉलो करती है। ठीक है, तो मेंटोरशिप के अंदर में आ जाओ, आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आ जाओ मेरे से बात कर लो आप। ठीक है, चलिए फिर, ठीक है, हम क्लोज करते हैं, ऑलरेडी टाइम हो चुका है इस वीडियो में, बस डोजी कैंडलों को इग्नोर करो, और एंड अभी ट्रेड हमको लाइव नहीं मिल पा रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो चीज मैंने आपको बताई है लाइव उस चीज को आप समझ के डेमो में प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद में बिल्कुल लाइव अकाउंट में ट्रेड करो, आराम से प्रॉफिट आपका डेफिनेटली बनेगा बनेगा। ठीक है, तो चलिए गाइस एंड चलते हैं, हम क्लोज करते हैं गाइस एंड। ओके, लव यू।